मैं तो ला दिया सर, ये गाड़ी से दूर इसलिए ध्यान जाए बेसिकली 18 किलोमीटर का रोड और लगभग 11 किलोमीटर का टनल जो जिला में बनने जा रहा है। ये सिक्स टाइम का टेंडर है। आप सब जानते हैं कि पहले तो टेंडर नहीं आ रहा था, अभी बीच में एक टेंडर आया, उसने थोड़ा बहुत काम भी शुरू किया लेकिन फाइनेंशियल हालात के चलते वो कर नहीं सका। नई जो कंपनी आई है वो डेफिनेटली इसमें काफ़ी महारत हासिल करती है, एक्सपीरियंस है उनको। मोबिलाइजेशन भी शुरू हुआ है, दिसंबर 24 तक इसका कंप्लीशन का प्रयास रहेगा। जल्दी से जल्दी प्रयास करने के जरिए से एक बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट आता है वहाँ वहाँ जो है कुछ एक लोग उसको ब्लैकमेल करने में उलझ जाते हैं। वो अगर कोई कहीं नहीं करेगा तो यहाँ के लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा। ये कंपनी जो आई है बाहर से लेबर लाना और यहाँ रखने उनको महंगा पड़ता है, यहाँ का अगर आदमी लगेगा तो अपने घर में रहेगा और यहाँ काम करेगा। जस्ट उन्होंने देखना है कि काम से ताल्लुक रखना चाहिए, दूसरे चीजों से ताल्लुक रखेगा तो वो कंपनी अपना हिसाब से डिसाइड करेगी। हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसी को सपोर्ट करेंगे जो काम से काम रखता है, जो दूसरे चीजों में नहीं इन्वॉल्व होता है। अगर वैसे लोग है डेफिनेटली यहाँ जिसको मान लीजिए क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से वो यहाँ काम पर मजदूर मिलेगी। तो सर इवन जो थर्मो टनल है उसमें भी जो है 80% लोग लोकल है। अब लोकल की डेफिनेशन आप डिफरेंट करते हो, लोकल मतलब नहीं है कि उसी विलेज का, लोकल मतलब जो है हमारे कश्मीर वादी का, ठीक है। मैक्सिमम जो है इधर से होगा, इवन कहीं अगर सराउंडिंग में इनके गांधरबल में कोई अगर एलिजिबल यूथ है, टेक्निकल नॉलेज जानता है, जेसीबी या पोकलेन चलाता है उसको भी लगाई, वो भी लोकल ही है, वो थोड़ा बाहर का है। तो जो है काम से काम रखे डेफिनेटली यहाँ काम मिलेगा लोगों को।